दोस्तों आज भी बहुत ही बेहतरीन मोड लाया हूँ जीटीएस सैंडर्स के लिए, जो आपका पीसी का जीटीएस सैंडर्स उसके लिए स्पाइडरमैन मोड, जिस तरह की आप यहाँ पे साइड पीस का गेम प्ले देख सके। इसमें आपको काफी एक्स्ट्रा पावर मिल जाती है, काफी अच्छा मजा आपको आएगा इस मोड की इंस्टॉल करने से। अगर आप इसे इंस्टॉल करना चाहते तो वीडियो बिल्कुल पूरा देखें, एक एक चिप को जो है बिल्कुल ध्यान से देखें ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना। यहाँ पे साइड पीस का आप गेम प्ले देख सकते हैं किस तरह की ये मोड है। इसमें आपको जो है बहुत सारे पावर ऐसे मिल जाते हैं कि आप जो है इससे तेज भाग सकते हो, और बाकी जो है इसमें जो है आप कार को उठा सकते हैं, किसी पे बैठ सकते हो, काफी जिस तरह स्पाइडरमैन जाता है उसी तरीके से आप जा सकते हैं। जिस तरह स्पाइडरमैन बेलिस पे चढ़ता है तो इस तरीके से आप भी चढ़ सकते हैं, और इसमें जो है आप स्पाइडरमैन का मजा सारा का सारा उठा सकते हैं। ऐसे आपको लगेगा कि मैं स्पाइडरमैन गेम ही खेल रहा हूं, तो बहुत ही बढ़िया लगेगा आपको ये इस मूड। तो अगर आप इसे इंस्टॉल करना चाहते तो वीडियो बिल्कुल स्किप मत कीजिए, मैं बार बार कहता हूं। और दोस्तों मेरा और चैनल है GM24, अगर आप उसे सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, तो आप सिंपली उस पर जा सकते हैं, उस चैनल को चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम इस मूड को कैसे जो है इंस्टॉल कर सकते हैं और कैसे इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ये सारा प्रोसेस पीसी की स्क्रीन पर ही देखने के लिए, कि उससे पहले हम इस स्पाइडरमैन मूड का छोटा सा जो है गेम प्ले देखेंगे। तो चलिए गेम प्ले को स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए अब आते हैं कि हम इस मोड को कैसे इंस्टॉल कर सके, कैसे डाउनलोड कर सके। डाउनलोडिंग बहुत ही आसान है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, सिंपली उस पर क्लिक कर दीजिए, इस फाइल को डाउनलोड कर दीजिए, जो कि एक क्लिक पर ही आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और काफी कम साइज का फाइल है, 3 MB का फाइल है, तो आप इसे बहुत ही जल्दी डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत ही कम साइज का है। अब आपने क्या करना है, इस पर राइट क्लिक कर देना, देन यहीं पर एक्सट्रेट हेयर पर क्लिक कर देना है, और देन यहीं पर आपने टाइप कर देना है HUG। लेकिन दोस्तों आपने कैप्स लॉक के साथ यानी कैपिटल में लिखना है, स्माइल में नहीं लिखना है। तो फिर आपने क्या करना है, यही पे ओके पर क्लिक कर देना है, तो ये आराम से जो एक्सट्रेट हो जाएगा। अब दोस्तों इसका इंस्टॉलेशन बहुत ही आसान है, सिर्फ कॉपी पेस्ट है, यानी आपने इस फोल्डर को ओपन कर दें। इसमें आपको दो फाइल्स मिल जाएगी, यहाँ पर एक है हाउ टू यूज और दूसरा है GTA San Andreas Spider-Man मोड बाय हिंदी और दो गेमिंग। आपने इस फोल्डर को ओपन कर दें, यहाँ पे सारे फाइल्स को कॉपी कर देना है, देन यही पे कॉपी करके और यही पे आपने क्या करना है कि GTA San Andreas की शॉर्टकट पर राइट क्लिक करके ओपन फाइल लोकेशन पर क्लिक कर देना है, और देन यही पे आपने क्या करना है, राइट क्लिक करके पेस्ट कर देना है, और यही पे आपके पास रिप्लेस का ऑप्शन अगर आए तो आपने रिप्लेस भी कर देना है। तो यही पे ये हो चुका है रिप्लेस, यानी आपका मूड जो है बिल्कुल आराम से जो इंस्टॉल हो चुका है। अब आपने क्या करना है कि इसको कैसे यूज करना है, तो यूजिंग करने के लिए मैंने आप लोगों को एक
पिक दिया है, तो आपने इस पिक को जो है आराम से देख लेना है और इस मोड को आप यही से जो है यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप इस पिक को देख सकते हैं कि यहाँ पर है, यहाँ पर टैप कैप्स लॉक है प्लस, और यही पे स्पाइडरमैन, यहाँ पर आपने ये इसका चिट है, शेप है, राइट क्लिक, इस तरह की आपने ये चीजें जो है देख लेनी है कि किस तरह जो है ये आप जो है इसको यूज कर सकते हैं। तो काफी अच्छे ऑप्शन आपको इसमें वाले हैं। और चलिए ये देखते हैं कि मैं भी आपको जो है कुछ बता दूं, यानी कुछ यूजिंग में आपको बताता हूँ, आप वीडियो को बिल्कुल पूरा देखिए, बहुत अच्छा रहेगा। चलिए मैं आप लोग को जो है आपके सामने ही गेम को जो है बिल्कुल प्ले कर लेता हूँ। और हाँ दोस्तों, मैंने एक और मूड बनाया है GTA 5 का, तो आप वो वीडियो जो है आने वाली है, अगली वीडियो इंशाल्लाह उस पर होगी, आप जो है वो वीडियो फिर देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको GTA 5 का मूड जो है बिल्कुल दे दूंगा और काफ़ी अच्छा मूड है। उसमें मैंने रोड टेक्चर, यानी जो पहले मैंने GTA 5 का मूड दिया था उसमें हमने सिर्फ हेडर वगैरह चेंज किया, और इसमें हमने रोड टेक्चर्स वगैरह बाकी कुछ बहुत सारे जगह है जो कि हमने चेंज किया है, काफ़ी अच्छा मज़ा आया, उस मूड में भी आएगा। तो चलिए आप इसको प्ले कर लेते हैं। ये भी दोस्तों हमारे पास जो है GTA San Andreas जो है बिल्कुल प्ले हो चुका है, और इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ जो है स्पाइडरमैन मूड ही इंस्टॉल किया है। तो अगर आप मोर मूड जो है देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को आप विजिट कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो यही पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे टाइप करेंगे स्पाइडरमैन, यानी स्पाइडर, सिर्फ हमने स्पाइडर ही टाइप करें, SPIDER। तो यहाँ पर आपके पास जो है ये तीनों जो है यानी तीन स्पाइडरमैन आ जाते हैं। तो यहाँ पर पहला स्पाइडरमैन है और बाकी भी आप देख सकते हैं, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा भी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले वाली सेलेक्ट करें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे जो प्लेयर था वो हो चुका है स्पाइडरमैन। अब इसका यूजिंग क्या है तो ये मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर आप टैप कैप्स लॉक के साथ जो है आप दूसरा को फिर सेलेक्ट कर सकते हैं और इसको जो है यहाँ पर फिर से जो है आप ये करा सकते हैं। तो यही पे ये जो है यहाँ पर आप इसको चेंज करा सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो ये इसका चेंजिंग का हो गया है, यानी टैप कैप्स लॉक यहाँ पर आपको शॉर्ट स्क्रीन पर नजर आ रही है, जो कि पिक मैंने आप लोग को दिया भी है। तो यहाँ पर आपको जब यानी ये आप बंदा आप देख रहे हैं कि इसकी यानी इस पर एक आइकन आ रहा है, तो आपने क्या करना है Q E को प्रेस कर देना है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये किस तरह की लड़ाई करता है और किस तरह फाइटिंग करता है, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। और यही भी ये आप देखिए, आपने खुद देखा कि काफ़ी अच्छा जो इसका यानी फाइटिंग है। अब यहाँ पर जो अगर हम यानी राइट क्लिक पर यानी राइट क्लिक को दबाए रख के और फिर हम ऐप को दबाएंगे तो ये कुछ इस तरह की काम करता है। और दोस्तों अगर हम शेप को प्रेस करें और फिर राइट क्लिक दबाएंगे तो ये कुछ इस तरह की जाता है स्पाइडरमैन की तरह। तो चले आइए मैं आपको कुछ कुछ ऑप्शन जो है दे देता हूँ, यानी बाकी आप खुद ही देख सकते हो क्योंकि मैंने आप लोग को पिक दिया है, उसमें हमने सारे जो ऑप्शन है। यहाँ पर अगर हम स्पेस को प्रेस करेंगे और फिर क्लिक दबाएंगे तो ये कुछ इस तरह की काम करता है। और यहाँ पे दोस्तों आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि अगर आप ई को प्रेस करते हो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी बढ़िया है। ये इस तरह की कुछ काम करता है। और दोस्तों अगर आप जो है क्यों शेप को प्रेस करोगे, क्यों शेप इस तरह की क्यों और शेप को प्रेस करोगे तो ये कुछ इस तरह की काम करता है। इस पे आप ऊपर चढ़ सकते हो, तो यहाँ पे ये है, तो यहाँ पे मैं शेप से फिर आता हूँ और यही पे मैं किसी बिल्डिंग पर अगर आप चढ़ना चाहें तो यहाँ पे बिल्डिंग पर भी आप यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखाऊँ, कुछ बड़ा बिल्डिंग आप देख लेते हैं। जैसे कि ये है दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह की ये काम करता है। तो यहीं से आप बिल्डिंग पे भी चढ़ सकते हैं, अगर आप स्पेस दबाओगे तो ये काफ़ी जल्दी जो है ये इस तरह की काम करता है। और बाकी आप इसको खुद भी चेक कर सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है इसमें। अगर आप टैप और कैप्स लॉक को प्रेस करोगे तो आपके पास ये दूसरा जो कि ये एक कार को भी उठा लेता है और फेंक देता है, जैसे मैंने आपको गेम प्ले में दिखाया हुआ है। जैसे क्यों ऐप को मैं प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह इसने उठाया, क्यों और ई पर जो है ये क्या करता है कि उठा लेता है। तो यहाँ पे आप इसको देख ही सकते हो, काफ़ी अच्छा है और ये भी इसी तरह ही जाता है। तो आई होप कि आपको ये म्यूट पसंद आया होगा। अगर आप तीसरी नंबर सेलेक्ट करना चाहते हो तो आप इस तरह के टैब और कैप्स लॉक जो है आप प्रेस करके और फिर आप यही से इस तरह की दो और तीन यहाँ पे कर सकते हो, लेकिन पहली दफ़ा आपको जो है स्पाइडर टाइप करना होगा,
जो कि मैंने आप लोगों को दिखाया। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आया तो आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा मूड है और इसको आप बहुत ही आसानी से यूज़ करें। यहाँ पर आप स्पेस के साथ बहुत ही तेज़ भाग सकते हैं यहाँ पे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया, वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है तो आप चाहते हैं हम माजिरत। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद है, अगर पसंद है तो लाइक के बिना तो बिल्कुल मत जाइए। दोस्तों अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो हमारे चैनल पे तो सिंपली आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मेरा एक और चैनल है JR24, अगर आप उसको जो है चेक करना चाहते हैं उस पर आपको काफी सारी अच्छी वीडियो मिल जाएगी कंप्यूटर से रिलेटेड और मोबाइल से रिलेटेड। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल, आप सिंपली उससे जा सकते हैं, उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और दोस्तों ये वीडियो व्हाट्सएप पे और बाकी सोशल मीडिया पे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो आपसे मैं यही कहूंगा फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।